हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और आज है अक्षय तृतीया, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सुबह सुबह मैं गई हुई थी मंदिर, तो सबसे पहले मैं मंदिर में पूजा करके आई और अभी मैं घर पर आ चुकी हूँ। तो घर पर मैंने पूजा नहीं की थी क्योंकि घर पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लड्डू बाबू और राधा रानी सभी को स्नान वगैरह कराना होता है और आज तो लड्डू गोपाल का चंदन श्रृंगार करना है क्योंकि अक्षय तृतीया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आने के बाद ही घर पर पूजा करूँगी। और गाइज अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मंदिर में भी थोड़ा सा टाइम लग गया पूजा करने में। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर घर पर कर रही हूँ पूजा। तो सबसे पहले मैंने लड्डू बाबू को उठा लिया है और उसके बाद सबसे पहले मैं उनको स्नान करवाऊँगी, सादा जल से स्नान करवाएंगे पहले उनको। तो यहाँ पर देखिए कभी भी हम लोग खाली पात्र में स्नान नहीं करवाते हैं बाबू को। तो कभी भी आप अगर उनको स्नान करवाते हो जब भी, तो आप उसमें या तो स्वास्तिक बनाइए चंदन से या फिर रोली से, किसी भी चीज़ से बनाइए। और अगर स्वास्तिक नहीं बनाते हो तो आप इसमें तुलसी पत्ता रख सकते हो, पुष्प रख सकते हो, लेकिन कभी भी खाली पात्र में उनको स्नान मत करवाइएगा। तो ये देखिए मैंने स्वास्तिक बना लिया है, तुलसी पत्ता भी रखा है क्योंकि वो उन्हें बहुत प्रिय है, तो मैंने वो भी रख लिया है। थोड़े से मैंने पुष्प रख लिए हैं यहाँ पर जो भी मेरे पास थे, ताकि बाबू को अच्छा लगे। और उसके बाद लाला को स्नान करवाएंगे। तो आज के दिन आप लोगों को पता ही है कि अक्षय तृतीया पर लड्डू बाबू को विशेष रूप से चंदन श्रृंगार दिया जाता है, और ये इसीलिए दिया जाता है ताकि लड्डू गोपाल को जो है राहत मिल सके गर्मी से, और इनको ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है, जैसे कि जूस वगैरह हो गया, फ्रूट जूस और खीरा वगैरह, लस्सी वगैरह, छाछ वगैरह, इस तरीके की ठंडी चीज़ें बाबू को दी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं स्नान करवा रही थी। और गाइज आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने लड्डू बाबू को स्नान करवा लिया है और साथ ही मैं अपनी लाडली और एक और मेरे छोटे से बाबू हैं उनको भी स्नान करवा लूँगी साथ में ही। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी राधा रानी आ गई हैं, मैंने इनको स्नान करवा दूँगी अभी ताकि ये भी साथ में तैयार हो जाए। तो इनको भी स्नान करवा रही हूँ मैं। और आप लोग अपने बाबू, अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल है तो आप उनकी सेवा कैसे करते हो, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। आप लोग बताते हो, कमेंट करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर लाडली जी ने भी स्नान कर लिया है और बोला जाता है कि आज के दिन अगर हम लोग किसी को कुछ दान करते हैं तो वो दान भी बहुत महत्व रखता है। आज के दिन किया हुआ दान कभी भी समाप्त नहीं होता है, और आज के दिन कोई भी शुभ कार्य अगर करना हो तो हम लोग कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ खरीदना हो और सोना आज के दिन खरीदो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आज के दिन की ये मानता है। तो आप वैसे मैं तो कुछ भी नहीं खरीदती हूँ, बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लोग आज के दिन ख़रीदारी करते हैं, खरीदते हैं, तो अपने अपने सामर्थ्य के ऊपर होता है ये। तो देखिए लाडली जो मेरी तैयार हो गई हैं, और मेरी लाडो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए लाडो हमारी धीरे धीरे तैयार हो गई हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं लाडो। लाडो भी आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी बच्चों को तैयार कर दिया था, और उसके बाद देखिए लड्डू बाबू को मैंने मुकुट नहीं पहनाऊंगी आज, मैं ये फूलों की मैंने मुकुट बनाया है उनके लिए, तो इसी को पहनाऊंगी। इसमें मैंने फूल लिए हैं और तुलसी का पत्ता और तुलसी की मंजरी भी डाली है, और इसी तरीके से मैंने एक और छोटा मुकुट बनाया है, ये मेरे एक और हमारे घर में लड्डू गोपाल है छोटे, तो उनके लिए बनाया है। और ये मैंने यहाँ पर चंदन लिया है इस तरीके का, ये आता है चंदन, तो सूखा चंदन है, इसको हम घोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटोरी में ले लिया है, और ये हल्के पीले रंग का चंदन है। आप लोगों को शायद ये वीडियो में वाइट लग रहा होगा, लेकिन ये हल्के पीले रंग का है, और इसमें मैं थोड़ा सा इत्र मिला रही हूँ, और ठंडक के लिए इसमें डालने के लिए कपूर भी आता है ओरिजिनल, तो मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, तो हल्की सी इसमें सुगंध आ जाए इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा इत्र डाला है। और अभी गंगाजल डाल के
इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने गंगा जल डाला इसमें और थोड़ा सा इत्र डाला था। आपके पास अगर कपूर हो तो आप वो भी ज़रूर से डालिएगा, उससे बहुत ही ठंडक पहुँचती है बाबू को। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है, आपके पास हो तो आप ज़रूर डालना। और इसको इस तरीके से ना हम लोग बिल्कुल, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, हल्का सा पानी डालो तो ये बिल्कुल घुल जाता है बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये पेस्ट बना लिया है मैंने। और अभी इसको मैं अपने बाबू के पूरे शरीर पर लगाऊंगी। तो कई लोग इसको लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अभी देखिए मैंने बाबू को यहाँ पर लंगोट पहना दी है छोटी सी, तो और उसके बाद मैं हाथ से ही यहाँ पर लगा रही हूँ, मैंने ब्रश का यूज़ नहीं किया है। बस ब्रश से ये है कि थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है, बट मैं ब्रश का यूज़ नहीं कर रही, मुझे हाथ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। होता है ना कि बाबू को अपने हाथों से लगाओ तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपने हाथ से ही लगा रही थी। और मस्तक पर आँखों को छोड़कर, बाकी आँखों और होठों को छोड़कर बाकी पूरे शरीर पर लगाएंगे हम बाबू को चंदन। तो ये देखिए चंदन लगाने के बाद भी हमारे लाला कितने खुश हो रहे हैं। आज लाला को ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होगा, इनको चंदन लग रहा है और इसमें इत्र भी है तो साथ में महक भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो देखिए लाला बड़े खुश हो रहे हैं लगवाते वक्त। तो पूरे शरीर पे लाला को लगा देंगे हम लोग चंदन इसी तरह से। हाथों से लगाने पर बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए पीछे भी हम लोग लगा देंगे बहुत अच्छी तरीके से, सारे ही शरीर पर हम लोग लगा देते हैं बाबू को। और क्या होता है कि काफ़ी लोग जो, वैसे तो अभी आज से चंदन यात्रा शुरू हो जाती है तो पूरे 21 दिनों तक चलती है ये चंदन यात्रा, तो आप 21 दिनों तक लड्डू गोपाल का चंदन श्रृंगार कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इतना समय नहीं होता है, काफ़ी लोग होते हैं जॉब करने वाले या फिर किसी भी वजह से डेली ये उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप आज के दिन, तो अक्षय तृतीया है तो आज के दिन बाबू को पूरे शरीर पर चंदन लगाइए और बाकी के 21 दिनों तक आप उनको कंठ पर और उनके मस्तक पर जो है चंदन का लेप लगा सकते हो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो अगर पूरे शरीर पर नहीं लगाना चाहते हो तो। तो देखिए मैंने पूरे शरीर पर लगा दिया है और लाला का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। देखिए लाला कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी ये चंदन गीला है तो ठीक है, लेकिन जब ये थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा ना तो उसके बाद ज़्यादा देर तक हम बाबू को ऐसे नहीं बिठाएंगे, क्योंकि फिर जब ये सूख जाता है ना तो थोड़ा हार्ड होने लगता है, तो स्किन खींचने लगती है। तो इसीलिए जब ये सूख जाएगा तो उसके थोड़ी देर बाद ही हम बाबू को स्नान करवा देंगे, पूरे दिन तक इसको नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए लाला को हमने फूलों वाला जो मुकुट बनाया हुआ था वो भी लगा दिया है और लाला कितने प्यारे लग रहे हैं इस मुकुट में। सच में इसमें बहुत ज़्यादा लाला सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर मैं थोड़े से पुष्प जो है नीचे बिछा दे रही हूँ, तो लाला को आज पुष्पों पर ही बिठाऊँगी। और आज के दिन से लाला को पूरे 21 दिनों तक हम लोग फूल बंगला में भी बिठाते हैं नौका विहार। तो मेरे पास तो फूल बंगला अभी है नहीं है, इसलिए मैंने तो ऐसे ही बिठा दिया है लाला को। लाला आज सब जानते हैं, भगवान है वो तो उनको सब पता है। अभी मेरे पास नहीं है लेकिन कभी बाबू की कृपा होगी तो मैं उनके लिए फूल बंगला ज़रूर लेकर आऊँगी। अभी मेरे पास नहीं है तो अभी मैं इसी तरीके से पुष्पों को बिछा कर और मैंने लाला को बिठा दिया है, क्योंकि देखिए मन का भाव होना चाहिए। भगवान को किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग उनको क्या दे पा रहे हैं क्या नहीं। सच्चे मन से अगर भक्ति करो और मन में उनके लिए भाव सच्चा हो तो उनके लिए वही काफ़ी होता है, तो वो होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए लाडो भी तैयार बैठी है हमारी और लाडो को भी हमने चंदन का टीका लगा दिया है। और यहाँ पर मेरे छोटे लाला थे, इनको मैं जन्माष्टमी पर लेकर आई थी तो इनको भी मैंने मस्तक पर और इनके गाल पर चंदन लगाया है। तो ये देखिए हमारे बाबू चंदन लगने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं, लाला को नज़र ना लग जाए। लाला की छवि जो है ना वो सच में बिल्कुल ही न्यारी है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लाला। और ये देखिए हमारे छोटे लाला, इनको मैं जन्माष्टमी पर लेकर आई थी तो ये मेरे फाइबर के लाला हैं। ये देखिए तो इनको मैंने पूरे शरीर पर नहीं लगाया, इनको मैंने गालों पर और माथे पर लगाया है चंदन,
और लाडू को भी माथे पर चंदन का टीका लगाया है। और उसके बाद अभी मैंने भोग में सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं। और बादाम को मैंने ऐसे ही कच्चा नहीं दिया है, इसको क्या किया था मैंने रात को पानी में भिगो दिया था, तो अभी सुबह ही अच्छी तरीके से इसकी जो गर्मी होती है वो निकल जाती है। तो अभी मैं इनको यही दे रही हूँ और इसके साथ दूध दूंगी मैं। और उसके थोड़ी देर बाद फिर मैंने, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं अभी, तो उसके बाद मैंने तरबूज मंगाया हुआ है उनसे, तो जैसे ही वो लेकर आ जाएंगे वो भी दूंगी मैं, अभी तक आए नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं पूजा करने से पहले इसी का भोग लगा रही हूँ बाबू को, तो बाबू को सारा हम लोग भोग भी लगा देंगे। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अक्षय तृतीया पर अगर आप लोग बाबू का चंदन श्रृंगार करना चाहते हो तो बिल्कुल सिंपल सरल विधि है ये लाला का श्रृंगार करने की। और पूजा बाकी जैसे डेली होती है वैसे ही की है मैंने, कुछ अलग नहीं किया है, तो इससे समय की बचत भी है और बहुत ही इजी तरीका है ये। तो यहाँ पर मैंने भोग वगैरह भी लगा दिया था और उसके बाद मैं धूप दीप दिखाऊंगी बाबू को, तो आरती वगैरह हम लोग बाद में कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पूजा वगैरह भी कर ली थी, धूप दीप दिखा दिया था बाबू को, तो देखिए लाडो रानी भी खुश हैं हमारी और बाबू भी कितने खुश हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं लाला चंदन श्रृंगार में। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो भी बताइएगा, अगर कोई कमी रह गई हो तो भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।